हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 40 साइज के कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर की कटिंग करेंगे, क्योंकि कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए पेपर की कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो काफ़ी कपड़ा वेस्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग पहले ही कर ली है, इसकी लंबाई 14.5 इंच रखी है और ऊपर 1/2 इंच जो है मार्जिन का है उसे लेकर के 14.5 है, और नीचे पे कमर जो है वो 8.5 इंच का है, 1 इंच आपका डॉट के लिए एक्स्ट्रा है, 2 इंच सिलाई मार्जिन है जो कि सिलाई में यूज हो जाएगा। तो चेस्ट की साइज़ यहाँ पर 40 है, उसका 1/4 10 इंच है, तो 10 इंच में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा करके 12 इंच किया है। इसका फैब्रिक आपका डबल फोल्ड रहेगा, यानी कि 24 इंच की चौड़ाई का कपड़ा लेकर के आप बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए एक्स्ट्रा पेपर ले लेते हैं। इस पर आपको बैक पार्ट रख करके एज इट इज मार्किंग कर लेना है। अब हम यहाँ पर आगे के गले की गहराई का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 6 इंच गहरा गला आगे का रहेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको फिर से यहाँ पर बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स बनाकर गले का शेप आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल को 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे इस तरीके से। अब हम नीचे 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे जो कि आपका बेल्ट की ज्वाइनिंग में यूज हो जाएगा, और ये बिना अस्तर वाला कपड़ा रहेगा तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के हम निशान लगा लेंगे। ये 1 इंच जो है फोल्ड करने में चला जाता है। अगर आप लाइनिंग वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको 14.5 में 1 इंच ही ऐड करके बढ़ाना है, यानी कि कुल आपको 1 इंच ही प्लस करना है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब हम बेल्ट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, इस जगह पर 3 इंच और इधर जो है 2 इंच की मार्जिन जो सिलाई वाली है उसको मार्क करके 2.5 इंच की दूरी पर यहाँ भी बेल्ट को डाउन करेंगे। तो अभी इस लाइन को मिला लेना है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर सीने का जो मेजरमेंट है 10 इंच, तो उसका 1/3 निकालेंगे और उसी के 1/3 की यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे एक बार, और फिर दोबारा से वही मार्किंग करेंगे। टक्स पॉइंट यहाँ पर 9.5 इंच का लगा रहे हैं, तो आप इस तरीके से टक्स पॉइंट डिसाइड कर लीजिए। नेक पर यहाँ 1 इंच की निशान लगा देनी है कटोरी ड्रॉ करने के लिए। इधर आर्म होल के पास आप आर्म होल से 2 इंच के डिस्टेंस पर एक पॉइंट बनाइए, उस पॉइंट को मिलाते हुए ही कटोरी ड्रॉ करनी है। तो यहाँ सेंटर से हम 2 इंच फाइंड करेंगे तो इस जगह पॉइंट आएगा। अब हम टक्स पॉइंट के सीध में ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी की लेंथ तक हमें ये दूसरे वाले मार्किंग को सीधे ड्रॉ कर लेना है। तो इस वाले पॉइंट को और आर्म होल वाले पॉइंट को गले के पास जो 1 इंच के डिस्टेंस पे हमने पॉइंट लगाया था उसे मिला लेना है। तो इसको आप डार्क कर लीजिए। इस तरीके से आपका कटोरी का शेप ड्रॉ हो गया है। यहाँ साइड में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, तो इसको जो है कटोरी ज्वाइंट करने में इतना कपड़ा यूज हो जाता है। अब इसी निशान पर हमें कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम फाइनल कटोरी का शेप अलग पेपर पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर कटोरी वाले पार्ट में 1/2 इंच पे एक निशान लगा करके इसको कट करके निकाल लेना है, ताकि फैब्रिक में जो एक्स्ट्रा बढ़ता है वो छटाई ना करनी पड़े। तो अब हम फाइनल कटोरी का कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम अलग से एक पेपर ले लेंगे। इस पेपर के टुकड़े पर ये वाला कटोरी इस तरीके से रख करके साइड के सारे मार्किंग कर लेने हैं। अब सेंटर पॉइंट से हम नीचे की तरफ 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, दोनों तरफ 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ ऊपर 1/2 इंच दोनों ही तरफ बढ़ाएंगे, और इन सभी डॉट को मिलाते हुए हमें एक शेप ड्रॉ कर लेनी है। अब इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। इसी को रख करके हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो आइए अब हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं। फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, पिन की सहायता से पेपर को इस पे अच्छे से फिक्स कर लेना है, ताकि जो कपड़े की कटिंग हम करेंगे उसमें कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसकी स्टिचिंग का वीडियो मैं अब ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।